आज उत्तर प्रदेश में नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख और क्षेत्र पंचायत सदस्यों को शपथ दिलाई गई। राजधानी लखनऊ के 8 ब्लॉक कार्यालय पर भी नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुखों और क्षेत्र पंचायत सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह करवाया गया। लखनऊ के 8 ब्लॉकों में 8 बीजेपी समर्थित नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख और 1 निर्विरोध ने शपथ ली। गुसाईगंज खंड विकास कार्यालय पर भी शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी समर्थित नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख विनय वर्मा और 94 क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने भी शपथ ली। गुसाईगंज विकास खंड में नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख विनय वर्मा को मोहनलालगंज के उप जिलाधिकारी शुभी सिंह काकर ने शपथ दिलवाई। इस मौके पर बीजेपी जिला अध्यक्ष श्री कृष्ण लोधी, पूर्व सांसद बाराबंकी प्रियंका सिंह रावत, राजकुमार वर्मा, मंडल अध्यक्ष सुनील गुप्ता, पूर्व जिला मंत्री वीरेंद्र रावत, नगर अध्यक्ष निखिल मिश्रा, अभिषेक रावत भी मौजूद रहे। इंडिया समाचार के लिए ये थी हमारी खास रिपोर्ट। प्रभुता और अखंडता और अखंडता रखूंगा तथा एक पंचायत सदस्य के रूप में। भारतीय जनता पार्टी के, देखिए, योगी और मोदी की जीत है और जिस तरह हमारी सरकार काम कर रही है, जन जन तक अपने जो गरीब आदमियों को जो लाभ दे रही है, ये उसी की जीत है। और जन जन तक एकदम जो जैसा काम चल रहा है, जैसे अन्य पार्टियों पहले भी देखोगे जितना भ्रष्टाचार मिटा हुआ था, आज कोई हमारी प्रदेश सरकार में कोई भ्रष्टाचार नहीं है। किसी आप मंत्री हो उसके ऊपर कोई दुरुपयोग नहीं लगा सकते हैं। और गरीबों को जो सुविधाएं चाहिए वो जन जन तक गरीबों को सुविधाएं पहुंच रही हैं और इसीलिए जनता आज भारतीय जनता पार्टी के हाथों की तरफ निहार रही है। 2022 में देखिए, और किसी पार्टी के पास कोई विकल्प ही नहीं बचा है। जो विरोधी चिल्लाते भी रहते हैं, कोई विकल्प बचा नहीं है। 100% भारतीय जनता पार्टी की 2022 में सरकार बनेगी, इससे कोई रोकने वाला नहीं। नवनिर्वाचित क्षेत्र पंचायत सदस्यों एवं ब्लॉक प्रमुख का शपथ ग्रहण समारोह गुसाईगंज परिसर ब्लॉक परिसर में था, जिसमें सभी सम्मानित क्षेत्र पंचायत सदस्यगण उपस्थित रहे और आगे की योजनाओं के बारे में, उन योजनाओं के क्रियान्वयन के बारे में चर्चा की गई और जो भी विकास के मुद्दे हैं उन पर बात हुई और किस तरह से आगे विकास को शपथ ग्रहण के बाद किस तरह से विकास करना है उस बारे में सभी 650 सदस्यों से उनकी राय जानी गई। 2022 का आपका लक्ष्य क्या है? 2022 में जन जन तक विकास पहुंचना है और जन जन को लाभान्वित करना है। सरकार की जो हमारे सरकार की योजनाएँ हैं उनको प्रत्येक व्यक्ति तक पहुँचाना यही लक्ष्य है। जनता को संदेश देना चाहेंगे कि हमारी सरकार जो जिस तरह से प्रयास कर रही है उसमें आप सहयोग करें और हमारी सरकार ये दृढ़ निश्चय किए हुए है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके हिसाब से उसको वो सुविधाएं दी जाएंगी और प्रत्येक व्यक्ति को पहुंचाने सुविधाएं पहुंचाने का दायित्व हम लोगों का है।